हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी के शोभित कलेक्शन ब्लॉग्स में। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे रुका हुआ था। ये काकू भाई की मम्मी है। तो अभी हम यहाँ से सभी को टाटा बाय बाय करते हैं और हम निकलते हैं लद्दाख के लिए। तो मैं यहाँ पे रुका था 4 दिन। कल मैं निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, बट मौसम ख़राब होने के कारण फिर मुझे रुकना पड़ा। तो अभी निकल रहा हूँ। चलो बाय आंटी, बाय मैडम। तो अपनी मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से मैं, ये गांव था लाहौल स्पीति के नाम से, जो कि के आम करके गांव है। तो वहाँ पे हम रुके हुए थे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखो गाइस, गाइस तो देखो, मुझे के लियांग गांव से मुझे लिफ्ट मिली थी और अंकल जी ने मुझे लिफ्ट दी है। जो कि अभी कितना अंकल कर देंगे, मतलब कितना हमें क्रॉस करवा देंगे? किलोमीटर तक। कहाँ जाना आपने? लद्दाख जाना था। मैं जिसपा जाऊँगा। जिसपा? जिसपा छोड़ दूँगा। उसके आगे, मतलब किधर? केलोंग से आगे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमको मिल गई है 30, कितना 25-30 किलोमीटर होगा ना? तीस किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई और अंकल जी ने लिफ्ट दी। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव। राजीव अंकल जी का नाम। गाइस तो देखो, मैं लद्दाख जा रहा था तो यहाँ पे कच्चा पहाड़ गिर गया। तो देखो यहाँ पे टीम लगी हुई है, साफ सफाई कर रही है, तो जिसके कारण मुझे आधे से 1 घंटा वेट करना पड़ रहा। मैं आधे घंटे, गाइस कच्चा पहाड़ है, देख लो मलबा यहाँ पे रोड पे आ गया, जिससे कि जाम लग गया। गाइस रास्ता खुल गया। ये देखो यहाँ पे जो मलबा पड़ा है, यही मलबा था जो कि पूरे रोड में आ गया था। ये तो रास्ता खुल गया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हेलो गाइस, तो देखो हम पहुंच चुके हैं लद्दाख का जो मेन चेक पोस्ट है। तो हम आ चुके हैं, ये आप सामने देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मौसम अभी कितना अच्छा है यार, शायद गाड़ियाँ भी रोक रखी हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं, देखते हैं हमको जाने देते हैं कि नहीं। तो मैं फाइनली धराचा, जो कि मतलब चेक पोस्ट है लास्ट लद्दाख का, हम पहुँच गए हैं। और अभी टाइम हुआ है 11:30। गाइस तो अभी हम चल रहे हैं, जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उनसे पूछताछ करते हैं, अगर हमको जाने देंगे तो हम आगे जाएंगे, बाकी बात करके ही पता लगेगा। तो अभी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। सर अभी गाड़ियाँ जा रही हैं आगे के लिए, लद्दाख के लिए? कितने दिन के लिए बंद है सर? अभी बोलने की बंद है सर। कितने दिन के लिए बंद होगा? नहीं पता। अच्छा, तो गाइस अभी रास्ता बंद है और अभी कुछ पता नहीं है, तो अब देखते हैं यार क्या होता है। हाँ जी, मैं सर लद्दाख जा रहा था, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आगे लिफ्ट ले लूँगा। थैंक यू सर। तो देखो भाई, भाई सर जा रहे थे तो हमें यहाँ से मौसम को पता लग गया, क्योंकि वो ऊपर से आ रहे थे। तो भाई साहब गलन है तगड़ा। तो देखो भैया ने हमको लिफ्ट दी थी। तो भैया भी दिल्ली से हैं और भैया का नाम शिवम है। तो देखो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं दीपक ताल। ये बर्फ का पहाड़ है जो कि देख रहे हो, जहाँ पे बच्चे चढ़े हैं, और ये पानी है जिसको दीपक ताल बोलते हैं। तो हम गाइस लद्दाख की एडवेंचर ट्रिप में आपका स्वागत है यार सभी का। तो देखो मजे कर रहे हैं और हमारी भारत यात्रा ट्रैवल विदाउट मनी लद्दाख पहुँच चुकी है। तो अभी हम आधे रास्ते में हैं, तो ये देख सकते हो। गाइस देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं। सर कौन सी जगह है? एटसू करके है, एटसू ये जगह है। तो अभी यहाँ पे सर लोगों ने बंद कर रखा है, तो आज देखते हैं यहीं पे स्टे करेंगे, कल सुबह के लिए निकलेंगे लद्दाख के लिए। तो हाँ जी, ये गाइस तो देखो हमें
जाने तो नहीं दिया, तो हमें मौका मिल गया भैया लोगों के साथ कैंपिंग करने का। तो आज भैया लोगों के साथ हम कैंपिंग करेंगे और आपको यहाँ की जो कि लद्दाख की वादियों के, हसैन वादियों के नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो अभी तो आज तो नहीं जाने दे रहे हैं, कल मैंने बात की तो पूछे, बोल रहे थे कि कल हमको जाने देंगे अगर मौसम साफ रहा तो। वैसे बाय द वे मौसम साफ है, बस थोड़ा सा कल एक्चुअल में बर्फ़बारी हो गई थी जिस कारण हमको जाने नहीं दिया। तो बने रहो, आपको दिखाते हैं गाइस। तो देखो मैं आगे जा रहा था तो आगे देखो चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे मुझे रोक लिया गया जो कि अभी जाने नहीं दे रहे। तो ये देखो मैं यूपी से ग्रुप मिला है, ये अब शेक सर हैं एसटीएफ से, तो वाराणसी से हैं, तो ये भी सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें इनसे मिलने का मौका मिला। और बाकी सफारी से देखो हमें लिफ्ट मिली है जो कि हमें सर लोगों के साथ आज हम कैंपिंग करेंगे, और सर लोगों के साथ फिर देखते हैं अगर लद्दाख भी जाना होगा तो फिर उधर ही साइड जाएंगे। तो ये हमारे साथ सर लोग हैं। सर आप नाम बता दीजिए। हाय मेरा नाम राहुल है। और सर आपका? हाय मेरा नाम केपी है। तो सर भी लोग भी यूपी से हैं और बनारस से हैं, बाकी आपको मैंने सबसे मिलवा दिया है। और भैया है हमारे पीछे से, आपको दिख रहे होंगे, तो भैया का नाम तरुण है। तो हमारे साथ दो गाड़ियाँ हो गई प्लस एक बाइक है जो कि हमारे साथ। ये देखो सर का इतना सारा सामान, और हम सर के साथ आज जा रहे हैं कैंपिंग करने। हे गाइस, तो देखो अभी हम लद्दाख जा रहे थे तो भैया के साथ यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, गर्मा गर्म मैगी, और पहाड़ों पे मज़ा आ रहा है। तो गाइस तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग देखो, और हमारे साथ भैया लोग के साथ एंजॉय कर रहे गाइस। आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोगों को जाने नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, भैया हम लोगों को मिले, तो ये भैया ने यहाँ पे रूम लिया, यहाँ पे हम लोगों ने खाना भी खाया, तो भैया को रूम भी मिल गया 200 रुपये पर बंदे के हिसाब से। तो हमको एक, हम लोगों ने पूरा एक हॉल ले लिया क्योंकि हमारी जो टीम है 6-7 लोगों की है, तो पूरा एक हॉल है ये आपको हॉल दिखाते हैं। तो ये दुकान है, दुकान के नीचे हॉल है, तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो यहाँ पे रूम लिया है, और खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये रूम है, तो यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यार एक प्रकार से यार हम फंस भी गए क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग दुआ करेंगे भगवान से कि बारिश बंद हो जाए प्लीज़, क्योंकि हमें आगे जाना है। तो आज रात हम यहीं पे रुके हुए हैं भैया लोगों के साथ, ये हॉल है, तो ये व्यूज़ है। तो यहाँ पे हमको 200 रुपये पर बंदे के हिसाब से मतलब दिया है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे आज रुके हैं, कल सुबह के लिए निकलेंगे। तो ये देख लो हमें, ये देखो भाई कितना मस्ती कर रहा है। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं भैया लोगों के साथ, तो ये इसका नाम डस्टर है, और ये देखो कैसे मस्ती कर रहा है। हॉल मिला है, देसी जुगाड़ एकदम, देसी जुगाड़। तो चलो अभी बाबा है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करता हूँ क्योंकि अब तो आगे जा नहीं पाऊंगा, तो नेक्स्ट डे आपको मिलता हूँ, नेक्स्ट डे नई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बने रहो।